और देखिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत होना है और इस सत्र का हम जो आज के ज्वलंत प्रश्न हैं, जिस तरह से अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भर्ती में घोटाला हुआ है, अन्य संस्थाओं में भी नियमों के विपरीत भर्तियां की गई हैं, मानकों की अनदेखी की गई है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो गिरफ्तारियां हुई हैं सरकार की लचर पैरवी की वजह से, आज वो जेल से बाहर हैं। तब भी हमने कहा था कि इसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई करे। सरकार की नीयत साफ होती, सरकार ईमानदार होती तो निश्चित रूप से इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए था। और दूसरा मामला अंकिता हत्याकांड है, जिसमें सरकार ने निश्चित रूप से अभियुक्तों का बचाने का प्रयास किया, जिस तरह से साक्ष्य मिटाए गए, सबूतों को मिटाया गया और आज भी अंकिता हत्याकांड में जो साक्ष्य प्राप्त होने चाहिए आज वो भी नहीं मिल पाए हैं। तो इसके मायने ये हैं कि सरकार जानबूझकर अभियुक्तों को बचाने का काम कर रही है। इसी तरह अल्बोड़ा में एक दलित युवक की हत्या हो जाती है, अंतरजातीय विवाह के उपरांत उसकी हत्या हो जाती है, सरकार ने उसकी सुध नहीं ली उस परिवार की। उत्तरकाशी में बलात्कार होता है दलित लड़की के साथ, सरकार ने मानवता नाम की चीज रही नहीं है, सरकार ने वहाँ जाने की जहमत भी उठाई। तो तमाम प्रश्न है, आपदा मुख्य विषय है, अंकिता हत्याकांड है, दलितों का उत्पीड़न है, अधीनस्थ चयन आयोग की जो घोटाले हैं, ये तमाम विषय हैं। कानून सबसे बड़ी कानून व्यवस्था है, जिस तरह से आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और अपराधी बेलगाम हैं, डर और भय का माहौल पैदा हो चुका है। तो तमाम विषयों को लेकर सरकार को घेरने का काम निश्चित रूप से कांग्रेस करेगी और हम उन मुद्दों को, जनता के प्रश्न हैं, जनता के सवाल हैं, उनको लेकर सदन में पुरजोर तरीके से मुखर होकर सरकार के जवाब मांगेंगे।